हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ आ गए हैं और आज का टॉपिक है गीक फॉर गीक्स का। तो टुडे आवर टॉपिक इज हाउ वी कैन यूज गीक फॉर गीक्स इन अ वेरी स्मार्ट वे, मतलब स्मार्ट स्टडी कैसे करना है गीक फॉर गीक्स में। ये नहीं कि तुम पूरा गीक फॉर गीक्स रटने लगो, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज गीक फॉर गीक्स, व्हाट आर टॉपिक यू शुड डू, क्या क्या बेनिफिट है क्या नहीं है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि हमारा 5000 सब्सक्राइबर्स पूरा हो गया है। थैंक्स एवरीवन, सबको मैं थैंक्स करता हूँ। तुम्ही लोग चलते मेरा 5000 सब्सक्राइबर्स अभी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो उसके लिए एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, तो वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना। दैट सरप्राइज कैन बी इन मिडिल ऑफ द वीडियो और लास्ट ऑफ द वीडियो, तो कहीं भी हो सकता है। तो प्लीज पूरे वीडियो को देखो लास्ट तक और ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गीक फॉर गीक्स। बेसिकली गीक फॉर गीक्स इज अ सीएस पोर्टल। यहाँ से तुम सीएस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके लिए समझ लो एक खजाना टाइप का है। अगर तुम गीक फॉर गीक्स से कुछ नहीं पढ़े हो तो मतलब तुम सीएस स्टूडेंट मतलब नहीं बोल सकते तुम्हें सीएस स्टूडेंट, ठीक है। तो तुम गीक फॉर गीक्स यूज ही नहीं की हो तो गीक फॉर गीक्स एक सीएस स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा पोर्टल है। यहाँ से तुम सीएस के हर एक टॉपिक पढ़ सकते हो, कंपटीटिव प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, गेट के टॉपिक्स, प्रोजेक्ट्स, मशीन लर्निंग, सब कुछ यहाँ पर तुम्हें अवेलेबल मिलेगा हर एक टॉपिक्स, ठीक है। तो अगर तुम्हारा कोई सीनियर बोलता है या फिर तुम्हारा कोई मेंटर, कोई टीचर बोले कि भाई गीक फॉर गीक्स पूरा पढ़ ले, तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाएगा और तुम स्टार्ट कर दी गीक फॉर गीक्स पढ़ना, तो तुम्हारा गीक फॉर गीक्स इट विल टेक मोर देन 10 ईयर्स ऑल्सो, कुछ भी हो कितना टाइम भी लग सकता है पूरा गीक फॉर गीक्स पढ़ने में। बिकॉज गीक फॉर गीक्स इज जस्ट लाइक एन ओशन एंड यू हैव ओनली 4 ईयर्स ऑफ इंजीनियरिंग और 3 ईयर्स ऑफ BSc और आइदर इफ यू आर इन सेकेंड ईयर तब तुम्हारे पास 2-3 साल होगा। तो हाउ यू कैन डू एवरीथिंग विद इन 4 ईयर्स 3 ईयर्स, तो पहले बता दो तुम सब कुछ तो नहीं कर पाओगे, बट व्हाट यू हैव टू डू इन अ स्मार्ट वे। तुमको वही सब टॉपिक करना है जो तुम्हारा काम का है, ठीक है। तो फर्स्ट यू हैव टू लिस्ट आउट द टॉपिक्स विच यू हैव टू डू, ठीक है, एंड देन स्टार्ट डूइंग दोज टॉपिक्स। तो आई हैव लिस्टेड सम टॉपिक्स, लेट्स सी द टॉपिक्स। सो आई हैव लिस्टेड सम टॉपिक्स विच ऑल द इंजीनियरिंग स्टूडेंट शुड डू, ठीक है। तो फर्स्ट, if you are in a first year or you are in second year also and you don't know what any language, then you can go for C++, Java or Python भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो how you can study these topics, तो यहाँ पर देखो मैं तो एकदम front पे जब आया हुआ हूँ geekforgeeks.org में, ठीक है। तो you can go for practice.geekforgeeks, ठीक है। practice.geekforgeeks में जाओगे तुम, मैं back कर देता हूँ, पहले तुम्हें ये page दिख रहा होगा, तो go to online course एंड नाउ यहाँ पर तुम नीचे जाओगे फ्री कोर्स, तो फ्री कोर्स है गीक फॉर गीक्स में। यहाँ पर नीचे जाओ और तुम्हें यहाँ पर मिल रहा होगा सी का, पाइथन का, जावा का, C++ का, यहाँ पर 4 कोर्स तुम्हारा फ्री में दिया हुआ है और पूरे वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग C++ में अगर चलते हैं तो यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि मॉड्यूल 1 से लेकर मॉड्यूल 6 तक दिया हुआ है, बेसिक्स है, एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर्स और तुम्हारे STL के भी सारे यहाँ पर दिए हुए हैं टॉपिक्स, वेक्टर, पेयर, स्टैक, क्यू। अगर तुम C++ स्टार्ट कर रहे हो तो यू कैन वॉच दिस सीरीज, ये वाला तो फ्री में दिया हुआ है, ये कोर्स तुम देखो, ऑब्वियसली मतलब तुम्हें अच्छा लगेगा, वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। तो C++ का संग तुम्हारा यहाँ पर जावा का है, पाइथन का है, सी का है, ठीक है। तो ये सब तुम लोग टॉपिक यहाँ से देख सकते हो जाके। अब तुम लोग बोलोगे यार मुझे थोड़ा डेप्थ में देखना है, तो वापस मैं geekforgeeks.org में आ गया हूँ। यहाँ पर देखो क्विक लिंक सर के दिया हुआ है जावा ट्यूटोरियल फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम लोग चलते हैं और यहाँ पर तुम्हारा देखो सारे टॉपिक्स है, बेसिक्स, फ्लो कंट्रोल, स्ट्रिंग, एरे, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, ऊप्स, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, कलेक्शंस, मल्टी थ्रेडिंग, सारे टॉपिक्स हैं। तुम यहाँ पर खोल खोल के तुम सारे डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। इफ़ यू वांट सम वीडियोस, अगर तुम्हें मतलब वीडियो एडिटरियल अच्छा लगता था तो तुम जाके यूट्यूब के प्लेलिस्ट देख सकते हो, बट यू लाइक, अगर तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन अच्छा लगता है देन यू कैन फॉलो दिस पार्ट, ठीक है। जावा का भी एक यहाँ पर गीक फॉर गीक्स में कोर्स दिया हुआ है, जावा फाउंडेशन करके, वो भी एक बहुत अच्छा कोर्स है जावा फाउंडेशन करके, जिसकी प्राइस अराउंड 700 है, यू कैन ऑल्सो फॉलो दिस कोर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग का यहाँ पर C++ जावा वाला पार्ट तो हो गया, या पाइथन। नेक्स्ट आ जाते हैं DSA एंड हाउ टू प्रैक्टिस दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर DSA की मैं बात कर लूँ, अगर इफ़ यू डोंट नो अबाउट DSA कि मैं एक, तुम्हें बब्बर भैया के बारे में पता होगा, एक बहुत बड़े यूट्यूबर है और अमेजोन में काम करते हैं और उन्होंने एक DSA का शीट निकाला था। तो देर आर अराउंड 450 क्वेश्चन एंड आई हैव स्टार्टेड दैट सीरीज। इफ़ यू डोंट नो अबाउट माई चैनल
then you can check out the playlist. I have started array, string, searching, sorting, DP, graph, all the playlists are started and maximum, almost bahut sara khatam bhi ho chuka hai. So you can go and follow the, those playlist. I have completed the solutions with intuition. ठीक है, सो इफ यू वांट टू डू दोस टॉपिक्स एट डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम फ्रॉम गीक फॉर गीक्स देन यू कैन डू फ्रॉम हियर. गो टू ट्यूटोरियल, गो टू डेटा स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल गो टू स्टैक्स. ठीक है, स्टैक में तुम आ गए तो स्टैक में तुम्हारा इंट्यूशन दिया हुआ है, टॉपिक्स दिया हुआ क्या क्या है, उसके इंट्रो टॉपिक्स दिए हुए हैं और डिजाइन कैसे इंप्लीमेंट होता है स्टैक, और फिर यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन का लंबा लाइन आ जाएगा. ठीक है, तो तुम बोलोगे यार इतना सारे क्वेश्चन कैसे करें, तो सो यू डोंट हैव टू डू ऑल द क्वेश्चंस, यू हैव टू डू अराउंड 30-40 क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के कर लो. एरे, स्ट्रिंग, डीपी, ग्राफ के थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन करना और बाकी टॉपिक्स के तुम अराउंड 30-40 कर सकते हो. ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन करना है यहाँ तो तुम लोग ब्रीफ में अंडरस्टैंड, मतलब तुम यहाँ ब्रीफ में तुम लोग को समझ आ जा रहा है कि स्टैक क्या होता है, फिर यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या है क्यू क्या होता है, बाइनरी ट्री क्या होता है, हीप क्या होता है, हैशिंग, ग्राफ क्या होता है, तुम यहाँ पर जाके तुम मतलब टॉपिक समझ सकते हो क्या हो रहा है. Now when it's time to practice, क्योंकि तुम इसे पढ़ना नहीं है, तुम स्टैक है बस तुम स्टैक ही पढ़ते रह गए, फिर क्यों ये स्ट्रैटेजी मत रखना कि तुम सारे टॉपिक पहले पढ़ लो फिर प्रैक्टिस करने जाओ. डोंट डू दिस, डू साइमल्टेनियसली. फॉर एग्जाम्पल मैं एक डी एस ए का एक स्ट्रैटेजी वाला वीडियो बनाया हूँ, हाउ टू द ग्रेट स्ट्रैटेजी टू डू डी एस ए, वो लाइक मैं वीडियो बनाया हूँ, आई बटन पे आ रहा होगा, जाके वहाँ देखो, वहाँ पर मैं एक बताया हूँ. तो मैं ब्रीफ में बता देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पर, इफ़ यू आर स्टार्टेड विथ स्टैक देन इफ यू आर डूइंग 3 hours ऑफ स्टडी द देन फॉर 1.5 hours यू गो फॉर थ्योरी पार्ट ऑफ स्टैक. नाउ लेट्स कम टू द प्रैक्टिस पार्ट. तो यहाँ पर हम लोग को ये प्रैक्टिस दिख रहा होगा, यहाँ प्रैक्टिस में तुम क्लिक कर दो और यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पर टॉपिक्स दिए हुए हैं डेटा स्ट्रक्चर के. फॉर एग्जाम्पल हम लोग गए यहाँ पर स्टैक्स में, फाइन. तो यहाँ पर देखो स्टैक से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएंगे. तो व्हाट आई टोल्ड इन दैट वीडियो इज दैट यू हैव टू डू अराउंड 6 क्वेश्चन पर डे. फ्रॉम 6 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन शुड बी ऑफ इजी लेवल, 2 क्वेश्चन विल बी ऑफ मीडियम लेवल एंड 1 क्वेश्चन विल बी ऑफ हार्ड लेवल. तो हाउ यू हैव टू डू, गो टू डिफिकल्टी लेवल, चूज इजी एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस आर हियर, डू 3 क्वेश्चंस, देन गो टू मीडियम लेवल, रिमूव दिस इजी वाला पार्ट एंड देन डू 2 क्वेश्चन ऑफ मीडियम लेवल, देन गो टू हार्ड, रिमूव दिस मीडियम वाला एंड 1 क्वेश्चन ऑफ हार्ड. तो ऐसे तुम्हें 6 क्वेश्चन पर डे करने हैं, 3 इजी, 2 मीडियम, 1 हार्ड. तो यहाँ पर तुम डिफिकल्टी लेवल को यहाँ पर अरेंज कर सकते हो, फाइन. एंड वन मोर ऑप्शन इज देयर कि तुम यहाँ पर कंपनीज वाइज कर सकते हो. इफ़ यू वांट टू डू Amazon, Amazon के क्वेश्चन सिर्फ करना है तो Amazon को क्लिक कर दो यहाँ पर और तुम्हारा यहाँ पर सारे Amazon के क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे. ठीक है, और अब यहाँ पर और ही बता देता हूँ, अगर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर Amazon देन यहाँ पर तुम्हें एक बहुत मस्त यहाँ पर एक मिल रहा होगा Amazon का एक यहाँ पर कहाँ गया टेस्ट सीरीज फॉर Amazon SDE. इसका दाम 500 है बट शायद 7-8 महीना पहले कुछ ऑफर था 400 का, मेरे पास कूपन था तो मैं इसे 100 रुपीज़ में परचेज किया था. ठीक है, अब मैं बेनिफिट बताता हूँ इस कोर्स का. ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे यूज़ किया हूँ तभी बता रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है Amazon SDE टेस्ट सीरीज वाला जो है, जो लोग भी Amazon के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप या बस DSA का प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन जो है 30-30 करके एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, ईजी, मीडियम, हार्ड लेवल के हिसाब से. अब तुम लोग बोलोगे सारे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस साइट में जो GFG का अवेलेबल है, तो वाई वी शुड परचेज दिस कोर्स. तो बता दूं 60% क्वेश्चंस जो है इस कोर्स के अंदर वो सारे प्रैक्टिस सेट में अवेलेबल है, बट अराउंड 30-40% क्वेश्चंस जो है वो प्राइवेट क्वेश्चंस है, जो इस सिर्फ इस ये इस कोर्स के अंदर है वो प्राइवेट पब्लिकली अवेलेबल नहीं है. मुझे भी लगा सारा तो वही वाला क्वेश्चंस होगा, बट मैं जब स्टार्ट किया बनाना दूसरा अकाउंट से सेम क्वेश्चन को खोल रहा था तो वो क्वेश्चन नहीं खुल रहा था, वो दिखा रहा है कि दिस क्वेश्चन इज ओनली अवेलेबल ऑन Amazon SDE टेस्ट सीरीज. तुम लोग भी कुछ ट्राई किए कोई क्वेश्चन ओपन करने का और दिखा रहा होगा दिस इज प्राइवेट क्वेश्चन ऐसे करके कुछ, तो दोज क्वेश्चंस आर सम कोर्स के अंदर रहता है. तो अगर तुम लोग को वो सब क्वेश्चन को एक्सेस करना है तो यू कैन परचेज दिस कोर्स, अदरवाइज नहीं कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास तो यहाँ ऑप्शन मिल ही रहा है कि तुम Amazon क्लिक करके Amazon के सारे क्वेश्चन कर सकते हो. इफ़ यू वांट इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर देन यू कैन परचेज दिस कोर्स. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब यहाँ पर आ जाते हैं कि हमारे कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के टॉपिक्स करने हैं, तो कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग यहाँ पर वापस से आ जाते हैं फ्रंट पेज पे. फ्रंट पेज कहाँ है, कहाँ है, तो यहाँ पर आ जाते हैं
फ्रंट पेज पे, ठीक है। अब यहाँ पर आते सी कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग करना है, यहाँ पर सीपी लिखा हुआ है, चल जाओ यहाँ पर और यहाँ पर तुम्हें कंप्लीट गाइड मिल जाएगा, व्हाट आर द टॉपिक्स आर देयर इन कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग, हाउ टू स्टार्ट दैट ऑल, पूरा ब्रीफ में सब कुछ यहाँ दिया हुआ है, यू कैन फॉलो दिस, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है कि सी एस फंडामेंटल्स तुम्हें करना होगा, ओप्स ओएस डीबीएमएस कंप्यूटर नेटवर्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी एस के सब्जेक्ट्स है, इसके बारे में इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर तुम लोग को अच्छा लगता है वीडियो एडिटोरियल तो यू कैन गो फॉर गेट स्मैशर और नॉलेज गेट, बट वहाँ बहुत सारे वीडियोस हैं, ठीक है। अगर तुम बिगिनर हो यू कैन फॉलो दोज वीडियोस, बट अगर तुम्हें फिर से अगर तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना अच्छा लगता है तो लेट्स कम अगेन टू दी गीक फॉर गीक्स, यहाँ पर आ जाओ। सी एस सब्जेक्ट में गए, फॉर एग्जाम्पल हम लोग डीबीएमएस में चलते हैं तो यहाँ पर देखो बेसिक्स दिया हुआ है, रिलेशनल मॉडल दिया हुआ है, क्वेरी एसक्यूएल दिया हुआ है, सारे टॉपिक्स यहाँ दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल वी गो टू एसक्यूएल और एसक्यूएल में हम लोग आ गए हैं तो पूरा यहाँ पर सारा जो क्वेरी लैंग्वेज है सारे यहाँ पर दिए हुए हैं, सारे क्वेरीज दिए हुए हैं, सबका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो तुम यहाँ से पढ़ सकते हो, बट इफ़ यू वांट वीडियो ट्यूटोरियल तो मैं सजेस्ट करूँगा गेट स्मैशर या नॉलेज गेट को तुम देख सकते हो। मैं भी गेट स्मैशर का देखा था, बहुत बवाल पढ़ाता है, और मैं यहाँ पर डीबीएमएस का यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ा था। तो अगर तुम लोग दोनों करना दोनों कर सकते हो, कोई एक करना कोई एक कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम्हें डॉक्स अच्छा लगता है या वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है। और अगर इफ़ यू आर इन अ फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, तुम्हारा इंटरव्यू बहुत नज़दीक है, 15 डेज 20 डेज 1 मंथ के ड्यूरेशन पे है, तो यहाँ पर एक कोर्स है यहाँ पर ओएस डीबीएमएस सीएन करके इंटरव्यू प्रिपरेशन, यहाँ पर खुद संदीप सर तुम्हें पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। 1500 है इस कोर्स का दाम, ये भी मुझे फ्री में मिल गया था, पता नहीं कोई एक दिन के लिए ऑफर चल रहा था कि फ्री में मिल रहा है, तो मुझे पता चला था तो मैं ले लिया था ये वाला। यहाँ पर मैं देखा हूँ, यहाँ पर मैं डीबीएमएस और ओएस का वीडियो देखा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है, पूरा ब्रीफ में पढ़ा रहे हैं। बट मैं बोलूँगा इफ़ यू आर वेरी न्यू टू ओएस डीबीएमएस सीएन तब पहले जाके पूरे अच्छे से पढ़ो, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट में बताया हुआ है, क्योंकि दिस इज ओनली फॉर बिफोर इंटरव्यू देखने के लिए, मतलब इंटरव्यू से पहले जो तुम्हारा समय होता है उस समय थोड़ा शॉर्ट में देखना होता है ना पूरा, तब तुम ये देख सकते हो ये वीडियो, ठीक है। तब मैं बार बार कोर्स का बात कर रहा हूँ, पैसे की बात कर रहा हूँ, तुम सोच रहे हो कि कुछ तो होगा भाई, बार बार ये कोर्स के बारे में क्यों बोल रहा है, तो हाँ सरप्राइज अब मैं बताने जा रहा हूँ। सरप्राइज ये है कि हम लोग के 5000 सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आई वॉज थिंकिंग टू डू सम गिव अवे ऑफ सम कोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल ये ओ एस डी बी एम एस सी एन वाला हो गया, या अमेजोन एस डी वाला हो गया, या सेल्फ पेज डी एस ए वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ बहुत सारे कोर्सेज है, लो लेवल डिज़ाइन हो गया, तो कौन सा कोर्स यू वांट, विच कोर्स यू वांट प्लीज़ टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन, और जिसके वोट ज़्यादा रहेंगे, जैसे जो भी कोर्स चाहिए तुम लोग बता दो कमेंट सेक्शन में, उसके हिसाब से मैं अरेंजमेंट करने वाला हूँ, कुछ गिव अवे करने वाला हूँ, डिस्काउंट कूपन भी हो सकता है और कोर्स का गिव अवे भी हो सकता है। तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओ तुम्हें कौन सा कोर्स चाहिए, ठीक है। इसका और इन्फॉर्मेशन आगे नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते रहेगा, रिस्पॉन्स के हिसाब से मैं आगे बताते जाऊँगा, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं, हम लोग का ये वाला पार्ट भी हो गया, प्रोजेक्ट्स आइडिया में आ जाते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो हम लोग वापस आ जाते हैं प्रोजेक्ट आइडियाज़ में। तो यहाँ पर तुम्हें एक प्रोजेक्ट कहाँ गया हाँ यहाँ पर आ जाते हैं प्रोजेक्ट आइडियाज़ में हम लोग गए हैं, तो यहाँ पर तुम्हें अगर तुम्हें C++ का प्रोजेक्ट बनाना है बहुत सारा दिया हुआ है, जावा का प्रोजेक्ट्स यहाँ दिया हुआ है, पाइथन का प्रोजेक्ट्स, तुम ऐसा आइडिया ले सकते हो और फिर अपने से तुम कुछ नया प्रोजेक्ट बना सकते हो। C++ पाइथन जावा का तुम्हें अगर कुछ प्रोजेक्ट आइडिया चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ दिए हुए हैं, देखो बहुत सारे हैं, तुम लोग को जो टॉपिक जो तुम्हारा लैंग्वेज है उसके ऊपर तुम देखो, तुमको जो प्रोजेक्ट अच्छा लगा आइडिया लो और कुछ अपने से नया बना सकते हो, ठीक है। अगर अपने से नया नहीं बना पा रहे हो तो सेम प्रोजेक्ट को उठा सकते हो और उसमें तुम कुछ न्यू फीचर ऐड कर सकते हो, ओके। अब आ जाते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस, तुम्हें वहां से पढ़ना है, इफ यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, हफ्ता भर बचा हुआ है, तब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो इंटरव्यू कॉर्नर, इंटरव्यू एक्सपीरियंस पे तुम जाओगे, यहाँ पर मैक्सिमम कंपनीज के यहाँ पर तुम्हें मिल जाएंगे इंटरव्यू के, मतलब बहुत सारा दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल तुम लोग जा रहे हो माइक्रोसॉफ्ट, तो यहाँ पर तुम माइक्रोसॉफ्ट में क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पर बहुत सारा मिल जाएगा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तुम यहाँ पर जाकर अप्रोक्स 30-40 पढ़ लेना तो तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा किस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो चीज़ तुम्हें पता चल जाएगा। अब आते एप्टीट्यूड के क्वेश्चन वहाँ है, तुम भी वहाँ जैसे जाके पढ़ सकते हो, और गेट इफ़ आर प्रिपेयरिंग फॉर एमटेक हायर स्टडीज़ के बारे में तुम सोच रहे हो, देन यू कैन गो फॉर गेट वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, गेट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर सी एस के नोट्स है, लास्ट मिनट नोट्स है, सॉल्व पेपर्स है, बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक्स है गेट के, तुम गेट रिलेटेड टॉपिक भी यहाँ पढ़ सकते हो, तो ठीक है। यहाँ पर ये सब मैं यहाँ पर पॉइंट नोट आउट किया था कि ये सब मुझे लगता है कि यू शुड डू दिस टॉपिक फ्रॉम गीक फॉर गीक्स, और ये सब तुम आराम से अपने जो तुम्हारा 4 ईयर का इंजीनियरिंग है उसमें आराम से ये किया जा सकता है,
पूरा करने का जरूरत नहीं है, जिस तरह मैं बोला हूँ उसी तरह करो। जैसे तुम डीएसए कर रहे हो तो 30-30 क्वेश्चन करो हर एक क्वेश्चन का, ठीक है। अगर नहीं हो वहाँ से करना चाहते हो तो लब्बर भैया का जो डीएसए शीट है वो तुम फॉलो कर सकते हो। तुम अगर वो कंप्लीट कर लिए हो तो तुम चाहते हो और क्वेश्चन करने का माने, तब जाके प्रैक्टिस साइड से भी कर सकते हो। तो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट GFG गीक फॉर गीक्स, ठीक है। तो चलो, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करोगे तो और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे और तुम लोग को और गिव अवे का मिलने का चांसेस होने लगेगा, ठीक है। तो मैं और गिव अवे करवाऊंगा अगर तुम लोग सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में मेरी हेल्प करोगे, और मैं और अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।